नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संभल में किसान की गोली मारकर हत्या। यूपी के संभल में क्राइम की घटनाओं में एकदम से इजाफा हुआ है। 24 घंटे के भीतर हत्या की दो वारदातें सामने आने से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए। नखासा थाना क्षेत्र में युवक की गड़ासे से काट कर हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में एक किसान की गोली मारकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। किसान की गोली मारकर हत्या करने का पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के खरकबारी का है, जहां देर रात्रि गांव निवासी दलवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस समय की बताई जा रही है जब मृतक गांव में दावत खाने जा रहा था। गांव के ही युवक पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया है कि गाँव के ही अवधेश यादव पर गोली मारकर हत्या का आरोप है। उन्होंने बताया है कि पूरा विवाद खेत के रास्ते से निकलने को लेकर सामने आया है। फिलहाल मुकदमा लिखकर विधिक कार्यवाही की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। आपको बताते चले कि संभल में अचानक से क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे के भीतर हत्या की यह दूसरी वारदात सामने आई है। इससे पहले नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम रिठाली में सगे भाई की गड़ासे से काट कर हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मृतक के सगे भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या करने से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वही शाम 9 बजे के करीब थाना गुन्नौर के अंतर्गत ग्राम खड़कावली में एक दलवीर यादव, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, इनको इनके ग्राम के ही अवधेश यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन दोनों पक्षों में सुबह खेत पर रास्ते से निकलने को लेकर गाली गलौज व हाथापाई हुई थी। इसी बात को लेकर शाम में इनमें पुनः कहा सुनी हुई, जिसके पश्चात यह मर्डर किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस बल मौके पर है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।